सब्सक्राइब कीजिए टेक जिला चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक जिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड में डॉटेड सर्कल कैसे बनाते हो मार्च वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन करना है, उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको जाना है शेप्स में। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सर्कल। यहाँ पे आपको जितना चाहिए उतना सर्कल ले लेना है, एग्जांपल के लिए इतना लीजिए। उसके बाद आपको जाना है शेप फिल में। यहाँ पे आपको नो फिल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है शेप आउटलाइन में। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है विड्थ। आप जो चाहे ऐसे विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए लीजिए। उसके बाद आपको जाना है फिर से शेप आउटलाइन में। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डैशेस। यहाँ पे देखिए आपको सेकंड वाला डॉट वाला सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉट वाला सर्कल बन चुका है या क्रिएट हो चुका है। आप इसको ऐसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो फिर से आपको जाना है फॉर्मेट में, शेप आउटलाइन में जाना है, विड्थ में जाना है। यहाँ पे देखिए इसको सेलेक्ट करना है, विड्थ भी चेंज हो जाएगी। आप इसको कलर भी कर सकते हैं। फिर से आपको जाना है शेप आउटलाइन में, यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है। आप जो चाहें से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं, आप जो चाहें से रख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल का कलर भी चेंज हो चुका है। तो आप इस तरह से एमएस वर्ड में डॉट वाला सर्कल बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले टेक जिला चैनल।